सड़क पर बवाल की ये तस्वीर रविवार की है। नारेबाजी के बीच वाटर कैनन और लाठी को झेलते ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता। बेरोजगारी और महंगाई समेत अन्य मसलों को लेकर कांग्रेस द्वारा आहूत जनवेदना मार्च के दौरान पटना में जमकर बवाल हुआ। इस मार्च के दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक रामदेव राय घायल हो गए। पुलिस लाठीचार्ज और धक्का मुक्की में बछवाड़ा के विधायक रामदेव राय के सर और हाथ में चोट लगी है। घायल होने के बाद विधायक को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान विधायक रामदेव राय ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस ने इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह, MLC प्रेमचंद मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को पुलिस कोतवाली थाना ले गई है। नेताओं के हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाहती है। वहीं पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमने मार्च निकाला, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मार्च है जो मोदी सरकार की गलत नीति और देश के अंदर जो आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, भ्रष्टाचार है और किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जो सरकार कर रही है उसके विरोध में आज हम लोगों ने मार्च निकाला। कहाँ पे जाएगा? हम लोग जा रहे हैं सही विस्तार से। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।